कासगंज पुलिस ने चोरी व फिरौती की घटना का 48 घंटे में किया अनावरण। सूचना पर कार्यवाही करते हुए बीती रात्रि में खितौली नहर पुल पर चेकिंग के दौरान 4 सातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले के 352 परिषदीय विद्यालयों में आज स्मार्ट क्लास का किया गया स्थापित। स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने आयोजित एक कार्यक्रम में किया। बलरामपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना में गठित पुलिस एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थल बाजार चौराहों पर भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को किया गया जागरूक। सिद्धार्थनगर में जहां एक तरफ प्रदेश के स्वतंत्र मंत्री बृजेश पाठक कर रहे अस्पतालों का दौरा कर निरीक्षण, वहीं आशा कार्यकर्त्रियों ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी। बलरामपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्य एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न। केंद्रीय मंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाए जाने पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्रों को दिए जाने का दिया निर्देश। सिद्धार्थनगर जनपद के मोहना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल की दुकान से हुई लगभग 1 लाख की कीमत के मोबाइल ब्लूटूथ स्पीकर की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 5,000 का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। मैनपुरी पुलिस का सराहनीय कदम, 68 दोपहिया वाहन के साथ एक 4-पहिया वाहन सहित 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस की इस कार्यशैली को देखते हुए चोरी की वारदातों में आएगी काफी कमी। अग्रा थाना जगदीशपुरा के बोदला में दिन दहाड़े चली गोलियां, आपसी रंजिश का बताया जा रहा कारण। राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को मारी गई गोली। राजस्थान के कोटा में जयंती समारोह में समाज सेवी का किया गया सम्मान। प्रेस क्लब में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी की 79वीं जयंती समाज सेवियों के सम्मान के साथ मनाई गयी। अयोध्या मेयर ने एम्बुलेंस कर्मचारियों की सराहना की। कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा गुरुवार को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मरीजों को कैसे कम से कम समय पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है, इसके बारे में दी जानकारी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।